हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रूट वर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा होगा सेट थ्री। मैं हर रोज़ का आपको वीडियो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री करके रूट वर्ड्स का दे रहा हूँ, और अपने वोकैबुलरी को धीरे 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 आप क्या करोगे, स्ट्रांग करोगे। और मैं अपने और भी सीरीज को लाऊंगा। पहला हमारा रूट वर्ड्स है। जब आपके रूट वर्ड्स स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद मैं वोकैबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को एक बेहतर तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के रूट वर्ड्स के पहले वर्ड को। राइट, आज जो हमारा रूट वर्ड्स होगा फ्रेंड, वो होगा पहला एसर। एसर से जो जो वर्ड आके बनते हैं मैं उन्हें बताऊंगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ए सी ई आर एसर रहेगा, नहीं तो एक्री, ए सी आर आई। मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो इसकी मीनिंग होती है बिटर, बी आई डबल टी ई आर, बिटर हो गया, नहीं तो हार्श हो गया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कठोर या कड़वा, कठोर या कड़वा। राइट, तो मैंने क्या बोला, आज का वर्ड हमारा क्या रहेगा, हमारा वर्ड है एशर या एकरी। राइट, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, और इसकी मीनिंग क्या लिखा हूँ, बिटर मतलब हार्श। अब देखो, इससे जो जो वर्ड के फॉर्मेशन होते हैं वो मेरे वर्ड को आप देखोगे और सीखोगे कि आज हमारा पहला वर्ड क्या होगा। आज हमारा पहला वर्ड होगा इससे एक्रिड, ए सी आर आई डी। राइट, आप यहाँ पे देख रहे होगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ए सी आर आई। राइट, तो यहाँ से एक चीज़ तो आप निकाल सकते हो कि इसके मतलब क्या होगा, जरूर रिलेटेड टू बीटर या हार्श होगा, मतलब करोड़ या कठोर या करवा होगा। राइट, सॉरी, यदि इंग्लिश में इसकी मैं मीनिंग कहूँ तो होता है अनप्लीजेंट या बीटर, अनप्लीजेंट या बिटर। देखो, रूट वर्ड्स के आपके बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। यदि आप एक वर्ड याद करोगे उससे करीबन 10 से 15 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं रूट वर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये आपके जहन में रहेगा तो आप बहुत सारे वर्ड को देखते ही पहचान जाओगे और उसके मीनिंग का आप कहीं अंदाज़ा लगा लोगे। तो एक्रिड का मतलब क्या होता है, बिटर या अनप्लीजेंट। राइट, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, करवा, ऊपर जैसे मैं लिखा भी हूँ। राइट, और इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये रहेगा, एग्जांपल आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने लिखा है द पिज़्ज़ा वी बॉट फ्रॉम द पिज़्ज़ा हट वाज एक्रिड इन टेस्ट। जो पिज़्ज़ा आपने पिज़्ज़ा हट से ख़रीदा उसका टेस्ट क्या था, एक्रिड था, यानी कि करवा था। एक वर्ड और आप सुनते आए होंगे, एक्रिड टेस्ट, एक्रिड टेस्ट मतलब क्या हो गया, करवा टेस्ट होता है ना, करवा टेस्ट होता है, कोई चीज़ के खाने की हो गई या कोई चीज़ें होती है जो आपको कड़वी लगती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है एक्रिड। एक्रिड स्मोक भी होता है आपका, जो स्मोक होती है, जो धुआं होता है, वो भी करवा होता है, जिसे आप खांसने लगते हो, तो वहाँ पे एक्रिड वर्ड का वहाँ भी यूज होता है। राइट, तो एक्री आप याद रखोगे तो उससे आपको जहन में आना चाहिए क्या होता है, करोड़ या क्या होता है, कठोर होता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और उसे सीखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एक्रीमनी, ए सी आर आई एम ओ एन वाई। राइट, यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, आपको निकल के आया ए सी आर आई। राइट, ये भी क्या हो गया, आपका रूट वर्ड्स हो गया। ये क्या है, आप डिक्शनरी में देखोगे तो ये होता है नाउन। राइट, इसकी मीनिंग आप देखोगे तो क्या है, बिटर एंड हार्श। मैं शुरू में ही बताया था कि जहाँ आपको नज़र आए एक्री तो आप वहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा, बिटर या हार्श, जिसे करवापन भी कह सकते हैं। राइट, और इस पे एक सेंटेंस देखते हैं और सीखते हैं। एक वर्ड आप बहुत सुने होंगे, जैसे एक्रीमनी इन बिहेवियर, मतलब क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या है, बहुत ही करवा है, मतलब वो किसी से बात नहीं करता है। एक्रीमनी इन बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, एक्रीमनी है। राइट, और इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए हम लोग। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, राजेश विल शो यू एक्रीमनी वेन एवर यू विल आस्क हिम फॉर मनी। राइट, राजेश विल शो योर एक्रीमनी, राजेश ने क्या किया, अपना कठोरपन दिखाया, कब दिखाया, वैन एवर यू विल आस्क फॉर मनी, जब तुमने क्या किया, इससे पैसे की मांग की, तो वो अपना बिहेवियर कैसा दिखाया, एक्रीमनी। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एक्रीमोनियस, ए सी आर आई एम ओ एन आई ओ यू एस। ये हमारा एक एडजेक्टिव है। राइट, और यहाँ से रूट वर्ड आप देख रहे हो, यहाँ फिर आ रहा है क्या, ए सी आर आई। राइट, एक्रीमोनियस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है बीटर या हार्श। तो हर जगह इसकी मीनिंग यही निकल कर आएगी, बीटर या हार्श, करवा या कठोर, करवा या
कठोर, राइट। तो आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा कि एक वर्ड से मुझे बहुत सारे वर्ड याद हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्रिड देख लिया, एक्रिमोनी देख लिया, ये हमारा एक्रिमोनियस है, राइट। आप लोग देख रहे हो एक्रिमोनियस बिहेवियर होता है, किसी का बिहेवियर क्या होता है, कठोर होता है, कड़वा होता है, तो वहाँ भी एक्रिमोनियस बिहेवियर का यूज करते हैं। और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, हिज बिहेवियर वॉज एक्रिमोनियस टूवर्ड्स अस, उसके प्रति उसका बिहेवियर कैसा था, एक्रिमोनियस था। एक्रिमोनियस मतलब क्या होता है, कड़वा या कठोर। बिकॉज वी डिड नॉट हेल्प हिम, क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी, इसीलिए उसका बिहेवियर क्या था, उसके प्रति एक्रिमोनियस था, राइट। देखो नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखते हैं, वो वर्ड काफ़ी अच्छा होगा और दो तीन चीज़ नहीं सीखने को वहाँ पे मिलेगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एक्सर्वेट, सॉरी वर्ड है हमारा EXACERBATE, BATE। ये एक्चुअली तीन वर्ड से हम क्या हमारा मिलके बना हुआ है, पहला X प्लस एसर प्लस बेट, राइट। अब आओ इसे सीखते हैं कि आखिर इसकी मीनिंग क्या क्या होती है, और बहुत मज़ा आएगा इसे सीखने में। X मतलब होता है बियॉन्ड, जैसे आप लोग देखते होंगे एक्स सर्विस मैन, जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, फिर एक्सरसाइज हो गया, वहाँ भी एक्स लगा हुआ रहता है, तो उसका मतलब होता है एक्स जहाँ लगे उसकी मतलब क्या होती है, बियॉन्ड। एसर मतलब आपको पता ही है, बीटर होता है या हार्स होता है, जिसे हिंदी में कठोर कहते हैं। बेट मतलब होता है गुस्सा, बेट मतलब क्या होता है, गुस्सा, जो किसी का गुस्सा दिखाया जाता है। तो यहाँ से आप समझे एक्स एसर बेट मतलब क्या हो गया, किसी को गुस्सा दिखना, वो भी कैसा गुस्सा दिखाना, बियॉन्ड, आपे से बाहर हो जाना। कोई होता है ना कि अपने सिचुएशन से अपने आपे से बाहर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है सिचुएशन, जैसे बैड टू वर्स, कोई सिचुएशन होती है जो बैड टू क्या हो जाता है, वर्स, मतलब कि खराब से भी अति हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्स एसर बेट, एक्स का मतलब हो गया बियॉन्ड, एसर मतलब आप समझ ही सकते हो, एसर मतलब क्या हो गया मेरा, बिटर, और बेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, गुस्सा, राइट। और यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सेंटेंस क्या मेरा बन सकता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, राजेश एक्सर्बेटेड द सिचुएशन, वो क्या होता है, सिचुएशन से आपे से बाहर हो जाता है बाय एब्यूजिंग द सिक्योरिटी गार्ड। जब क्या किया गया, एब्यूज किया गया सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, राइट। तो जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एब्यूज किया तो उसका गुस्सा क्या हो गया, आपे से बाहर हो गया, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, एसर्बिक, राइट। क्या देखा आपने, एसर्बिक। और मैं एसर्बिक की मीनिंग की बात करूँ तो एसर्बिक भी क्या होगा, यहाँ पे रूट वर्ड किससे निकल के आया, एसर, राइट। और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एसर्बिक का बीटर या हार्स, राइट, बीटर और होता है हार्स। और इसके कुछ और भी देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा एसर्बिक कॉमेंट, कोई कहते हैं ना कि एसर्बिक कमेंट कर दिया, मतलब कि कैसा किया, करवाहट भरा विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसर्बिक लेमन जूस, एसर्बिक लेमन जूस भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, करवा, नींबू का रस। और यहाँ पे मैं उसे लिख देता हूँ इस दोनों को, लो यहाँ पे मैंने इस दोनों को लिख दिया, एसर्बिक कमेंट्स और एसर्बिक लेमन जूस। एसर्बिक कमेंट का मतलब क्या होता है, करवाहट भरा विचार, और एसर्बिक लेमन जूस क्या होता है, करवा नींबू का रस। ये सब वर्ड हर जगह पे आपको नए नए मिल जाएंगे, और आपको एसर याद रहेगा कि एसर मतलब क्या होता है, हमने बताया था बीटर और हार्स, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा लोगे और वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी कि एसर्बिक कमेंट्स जो ना कोई बीटर या हार्स से रिलेटेड होगा। और एक और अच्छा वर्ड मैं आपके सामने बताता हूँ, वो वर्ड है हमारा, वो वर्ड है एसर्बिटी, ACERBITY, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, जो जानते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। एसर मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बीटर या हार्स, राइट। देखो किसी भी वर्ड में यदि आपको ITY नहीं लगा हुआ मिले, क्या ITY, तो उसका मीनिंग जब भी होता है, मीनिंग नहीं, वो ज़रूर क्या होता है, वो नाउन होता है। मैक्सिमम वर्ड में आप जब देखोगे कि ITY लास्ट में है तो वो क्या होता है, नाउन होता है, इंड, ITY से इंड होने वाले शब्द, ITY वाले इंड होने वाले वर्ड वो क्या होते हैं, जनरली एक नाउन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, राइट।
और इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अब तो एक्रविटी का भी आप मीनिंग तो निकाल लोगे कि ये हार्श होगा, कड़वापन होगा या बिटर होगा। और इसका अलावा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, एग्जांपल क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको लिखा है, क्या लिखा है, एसिडिटी इन योर व्यू वॉज द मेन रीजन बिहाइंड योर रिजेक्शन। रिजेक्शन होने का मेन वजह क्या हो सकता है, एसिडिटी इन योर व्यू। जो तुम्हारा व्यू था वो क्या होगा, कठोर होगा, कड़वा होगा, बिटर होगा, हार्श होगा, इसी वजह से क्या किया गया, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखो मैंने कितने सारे वर्ड यहाँ पे लिखे। आज हम सारे वर्ड को क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करके लिख देते हैं, आप उसका एक बार रिवीजन कर लो। हम लोगों ने यहाँ पे कितने सारे रूट वर्ड्स देखे, यहाँ पे तो एक वर्ड देखे एक्री, और एक्री से बना एक्रिट, एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस, एक्सरबेट, एसरबिक, एसरबिटी, मतलब कि टोटल 5 वर्ड देखे। अब देखो ये 5 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप देखोगे तो दीनदयाल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस रूट वर्ड्स का आप एक चार्ट बनाओ और अपने दीवार पर या जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर इनको लिखते चले जाओ एक कॉपी में, और उसकी रिविज़न करो। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, मैंने जितने भी वर्ड आपको पढ़ाया है, ये 5 वर्ड जो भी पढ़ा है, आप खुद से क्या करोगे, एक अपनी मीनिंग बनाओगे एक या दो, और उसे कॉपी में लिख लोगे। और जो भी रूट वर्ड जैसे एक्री निकला यहाँ पे, और मैंने क्या बताया था, बेट मतलब गुस्सा होता है, राइट, एक्स मतलब बियॉन्ड होता है, राइट, और मैंने ये बताया ITY जिसमें रहता है वो नाउन होता है। इस तरीके से क्या करो, आप अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लो। तो आज के वर्ड को हम यहीं रखेंगे और सेशन को भी यहीं रखेंगे। अच्छा लगा वीडियो में तो जरूर कॉमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, यदि अच्छा लगा तो। मैं ऐसे नहीं कर रहा, अच्छा लगा वीडियो को तो जोर शेयर करेगा, कमेंट करके जोर लिखेगा। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड का होगा वो होगा सोप्स, SOPHOS। सोप से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं और इसकी मीनिंग क्या होगी वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अगले सेशन के लिए आप इंतज़ार करिए, आज इंडिया यहीं पर करते हैं। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।